हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे याददाश्त बढ़ाने की होम्योपैथिक दवाई, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनसे आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, याददाश्त कम होने के कई सारे कारण होते हैं, तो आपको पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी याददाश्त किस वजह से कम हुई है और उसी के हिसाब से आपको मेडिसिन लेनी है। तो हम आपको सिम्टम वाइज मेडिसिन बताएंगे, जिस सिम्टम से आपकी मेडिसिन मैच होती है आपको वो मेडिसिन ले लेनी है। तो इसकी पहली मेडिसिन है बरियाटा कार्ब, जो कि स्पेशली बच्चों को दी जाती है। इसके सिम्टम है चाइल्ड अनेबल टू कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्रीहेंड अ सेंटेंस, यानी कि बच्चा जल्दी से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता है और उसे जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता है, यानी कि उसे कुछ समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। द चाइल्ड इज ड्वार्फिश बोथ मेंटली एंड फिजिकली, बच्चा मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमज़ोर होता है। चाइल्ड इज ऑफ ए टिमिड एंड साई नेचर एंड इज अवर्स टू मीटिंग स्ट्रेंजर्स, बच्चा काफ़ी डरपोक और शर्मिला स्वभाव का होता है और वह नए लोगों से मिलने से कतराता है। तो यदि आपको ये सभी सिम्टम मिलते हैं तो आपको बरियाटा कार मेडिसिन ले लेनी है। सेकेंड मेडिसिन है लैकेनियम। इसके सिम्टम है कैन नॉट रिमेंबर द राइट वर्ड्स वैन राइटिंग एंड कमिट्स फ्रिक्वेंट मिस्टेक, यानी कि इसका पेशेंट कभी भी सही वर्ड को याद नहीं कर पाता है और लिखते समय हमेशा गलती कर देता है। अब्सेंट माइंडेड विद अ फेबल मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस, और अब्सेंट माइंडनेस यानी कि उसका ऐसा लगता है कि माइंड बिल्कुल खाली है, उसके माइंड में कुछ नहीं है और हमेशा वह हर चीज़ को भूल जाता है। अ पर्सन बाय थिंग्स एंड लीव देम ऑन द काउंटर टेबल, और वह दुकान से कुछ खरीदता है तो उसे दुकान पर ही भूल जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको मिलते हैं तो आपको लैकेन मेडिसिन ले लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन कैनाबिस इंडिका। इस मेडिसिन के सिम्टम है अ पर्सन फ्रिक्वेंटली फॉरगेट्स वाइल्ड टॉकिंग, यानी कि इसका पेशेंट बोलते बोलते ही भूल जाता है, यानी कि वह बात करते समय उसे क्या बात करनी है वो भूल जाता है। एक्सेसिव फॉरगेटफुलनेस मेक्स इट्स इम्पॉसिबल टू एंड अ सेंटेंस, इतना भुलक्कड़ होता है कि अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाता है, उसे अधूरा ही भूल जाता है। अलॉन्ग विद अ फॉरगेटफुल नेचर न्यूमरस थॉट मे क्राउड द माइंड ऑफ सच अ पर्सन, यानी कि इतना भूलने के बावजूद भी उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यदि ये सभी सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं तो आपको कैनाबिस इंडिका मेडिसिन लेनी है। इसके बाद है मेडोरिनम मेडिसिन। इसके सिम्टम है पर्सन वो पॉसेस अ वीक मेमोरी स्पेशली फॉर नेम्स एंड स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी मेमोरी काफ़ी वीक होती है और वो जल्दी से नाम और स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स याद नहीं कर पाते हैं। द वीकनेस कैन एवन बी ऑफ सच एन एक्सटेंट डेट द पर्सन फॉरगेट हिज और हर ओवन नेम, याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है कि वह पेशेंट अपना खुद का नाम ही कभी कभी भूल जाता है और उसे याद नहीं कर पाता है। द पर्सन रिपीटली लॉसेस द कंजर्वेशन थ्रेड एंड वांट्स द क्वेश्चन टू बी रिपीटेड बिफोर आंसरिंग, और किसी से बात करते समय पेशेंट बार बार बातें भूल जाता है और एक क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो यदि आपको ये सभी सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपको मेडोरिनम मेडिसिन लेनी चाहिए। एंड लास्ट मेडिसिन है कॉलीफॉस। इसके सिम्टम है ट्रीट वीक मेमोरी बिकॉज ऑफ मेंटल एक्सर्शन, यानी कि मेंटल एक्सर्शन या मेंटली काम करने के बाद यदि मेमोरी वीक हो जाए तो कॉलीफॉस मेडिसिन लेनी चाहिए। द कॉलीफॉस एक्ट एज द बेस्ट मेमोरी एनहांसर बाय रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ माइंड, यानी कि माइंड का ज़्यादा यूज़ करने से या फिर किसी एग्ज़ाम की ज़्यादा तैयारी करने से यदि मेमोरी वीक हो जाए तो कॉलीफॉस मेडिसिन अच्छा वर्क करती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द ब्रेन एंड नर्व्स एंड कैन बी कंसिडर्ड एज द कंप्लीट टॉनिक फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, एंड ये ब्रेन एंड नर्व को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और एक तरह से कंप्लीट टॉनिक की तरह वर्क करती है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको जनरल टॉनिक के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो कि याददाश्त बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और आपको किसी मेडिसिन में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।